हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्लूइड प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड सम अदर टॉपिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज जो है वो हम देखने वाले हैं आगे के टॉपिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स देखे थे जो आपका मतलब मास डेंसिटी डेंसिटी के रिलेटेड था लेक्चर नंबर 5 में। तो आज के लेक्चर नंबर 6 में हम आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखेंगे, जैसे कि कोहेजन है, एडहेजन है, उसके बाद जो कैपिलरी राइज जो है, कैपिलरी राइज और फॉल जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, ये सारा जो है वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। आज जो है फर्स्ट पॉइंट वो है कोहेजन एंड एडहेजन। तो कोहेजन और एडहेजन किसे बोलते हैं वो हम देखेंगे। तो कोहेजन, सबसे फर्स्ट, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड इज नोन एज कोहेजन। यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड, अगर सेम लिक्विड है दोनों और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कोहेजन बुलाते हैं। ओके, बाय वर्च्यू ऑफ कोहेजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड रिमेन अटैच टू ईच अदर। यानी कोई एक लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ओके, बाय दिस कोहेजन फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स। ड्यू टू कोहेजन लिक्विड पजेसेस सरफेस टेंशन। कोहेजन से लिक्विड को सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी मिलती है। द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन अनेबल्स अ लिक्विड टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस। कोहेजन से क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो होता है वो टेंसाइल जो स्ट्रेसेस होता है उसे रेजिस्ट कर सकते हैं। मर्क्यूरी इज एब्सोल्युटली कोहेसिव एंड डज नॉट एडहियर टू एनी एक्सटर्नल बॉडी। देखो, मर्क्यूरी जो है वो एब्सोल्युटली कोहेसिव फोर्स वाला है, यानी कि उसमें कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रोपोर्शन में होते हैं। तो वो जो है वो मर्क्यूरी का जो कोई भी मतलब ड्रॉपलेट होता है तो वो एक दूसरे से अलग नहीं होता है। ओके, तो इसलिए जो मर्क्यूरी है उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होते हैं और वो दूसरी कोई बॉडी यानी एक्सटर्नल बॉडी से एडहियर नहीं करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोहेजन की डेफिनेशन, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड इज नोन एज कोहेजन। बाय वर्च्यू ऑफ कोहेजन, यानी कि बिकॉज ऑफ कोहेजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड रिमेन्स अटैच टू ईच अदर एंड ड्यू टू कोहेजन लिक्विड पजेसिस द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन अनेबल्स लिक्विड टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जो लिक्विड रेजिस्ट कर सकता है वो भी ड्यू टू कोहेजन ही होता है। एंड मर्क्यूरी इज एब्सोल्युटली कोहेसिव बट लिक्विड एंड डज नॉट एडहियर टू एनी एक्सटर्नल बॉडी, यानी वो दूसरी कोई बॉडी से अट्रैक्शन नहीं करता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड है कोहेजन के साथ साथ है एडहेजन। तो एडहेजन किसे बोलते हैं वो हम देखेंगे। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर अटैच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड बाउंड्री सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड। अब देखो, लिक्विड जो है उसे हम कोई भी मतलब वेसल में यानी कि सॉलिड वेसल्स में भरते हैं यानी कि उसको फिल करते हैं तो वो उसकी सरफेस से मतलब मैच करता है, यानी कि वो सरफेस के साथ जुड़ा रहता है। तो वो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है, वो एडहेजन की प्रॉपर्टी है। यानी कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर अट्रैक्टेड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड बाउंड्री। यानी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड बाउंड्री से अट्रैक्टेड रहते हैं, सॉलिड बाउंड्री सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड। यानी लिक्विड के कॉन्टैक्ट में जो भी सॉलिड सरफेस आती है उसको वो मतलब वहाँ से वो अट्रैक्टेड रहते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स। यानी एडहेजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड बाउंड्री। ओके, लिक्विड बाउंड्री एंड सॉलिड बाउंड्री। एंड कोहेजन इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ओके, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे हम कोहेजन बुलाते हैं। और लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उसे हम एडहेजन बुलाते हैं। और ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडहेजन अ लिक्विड वेट्स अ बॉडी विच कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विथ इट। देखो, ये जो मतलब एडहेजन है उससे क्या होता है कि लिक्विड जो कोई भी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है उसे वो वेट करता है, यानी कि उसे वो गीला कर देता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टील रोड इज डिप्ड इन वाटर एंड टेक आउट ऑफ इट द रोड बिकम्स वेट सिंस वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू द रोड। यानी कि देखो,
स्टील रोड है वो मतलब एक सॉलिड मतलब मटेरियल है, तो उसे अगर हम वाटर में मतलब इमर्स करते हैं यानी कि डिप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो रोड है वो पूरा का पूरा वेट हो जाता है। तो वो जो रोड होता है वो वेट होता है, तो वो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडहेजन होता है। और अगर ऐसे रोड को हम मर्क्यूरी के लिक्विड में डालें तो वो एडहियर नहीं होगा, यानी कि उसमें एडहेजन नहीं लगेगा। इसीलिए मर्क्यूरी को हम एब्सोल्युटली कोहेजिव मटेरियल बुलाते हैं, ओके, कोहेजिव लिक्विड बुलाते हैं मर्क्यूरी को। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, कोहेजन और एडहेजन में, ओके। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ ड्यू टू कोहेजन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वाइल द कैपिलारिटी इज़ ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडहेजन। देखो सरफेस टेंशन है वो किससे रिलेटेड है, वो कोहेजन से रिलेटेड है, यानी कोहेजन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जबकि आपकी कैपिलारिटी है, यानी कि जो कैपिलारिटी हम आगे देखेंगे कि कैपिलारिटी क्या है, तो कैपिलारिटी है वो बोथ यानी कि कोहेजन और एडहेजन दोनों की वजह से होती है, ओके। तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है कि कौन किसकी वजह से, मतलब कोहेजन की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी पजेस करता है वो लिक्विड, और एडहेजन की मदद से कौन सा ये प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विड पजेस करता है, ओके। तो कोहेजन और एडहेजन अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कोहेजन जो है वो सेम लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं उसे हम कोहेजन बुलाते हैं, और एडहेजन जो है वो लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं उसे हम एडहेजन बुलाते हैं, ओके। जो आपका सरफेस टेंशन है वो ड्यू टू कोहेजन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स होता है, वाइल द कैपिलैरिटी इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडहेजन। उसके बाद है कैपिलैरिटी यानी कि मेनिस्कस इफेक्ट। तो ये क्या है हम देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखो जीटीयू में पूछा गया है 2012, 13, 14, 15, 17 एक्सेट्रा, ओके। तो कैपिलैरिटी जो है वो मेन मतलब पोर्शन है ये चैप्टर का, कैपिलैरिटी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। थियरी कैपिलैरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मॉल ट्यूब। कैपिलैरिटी क्या है कि ऐसी फिनोमिना है यानी कि ऐसी एक घटना है जिसमें लिक्विड सरफेस जो होता है उसका राइज होता है और फॉल होता है एक स्मॉल ट्यूब में, यानी कि स्मॉल ट्यूब में लिक्विड सरफेस का राइज होना या फॉल होना उसे हम कैपिलैरिटी बुलाते हैं। व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड, यानी कि ट्यूब को अगर हम वर्टिकली लिक्विड में मतलब इमर्स कर दें तो उसमें जो राइज होगा तो कैपिलैरिटी राइज बोलेंगे हम, और उसमें अगर फॉल होगा उसके लेवल में तो उसे हम बोलेंगे कैपिलैरिटी फॉल, ओके। इन द सेंस स्मॉल ट्यूब में अगर हम कोई स्मॉल ट्यूब पानी में इमर्स करते हैं, वाटर यानी लिक्विड में इमर्स करते हैं, तो लिक्विड सरफेस जो है वो राइज होती है या फॉल होती है स्मॉल ट्यूब में। तो स्मॉल ट्यूब में लिक्विड सरफेस का राइज होना या फॉल होना उसे हम कैपिलैरिटी बुलाते हैं, ओके। द राइज ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन अ नोन एज इज नोन एज कैपिलैरिटी राइज, वाइल द फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी डिप्रेशन, ओके। तो कैपिलरिटी डिप्रेशन और कैपिलरिटी राइज जो है वो ऐसे डिफाइन होती है कि अगर आपकी सरफेस ऊपर आती है तो उसे हम कैपिलरी राइज बुलाएंगे, और अगर आपकी सरफेस डाउन होती है तो उसे कैपिलरी डिप्रेशन बुलाएंगे। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म्स ऑफ एमएम और सेंटीमीटर ऑफ अ लिक्विड। देखो ये राइज और फॉल है यानी कि ये हाइट का मैटर है, तो हाइट जो है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कैलकुलेट होता है, ओके। तो जो कैपिलैरिटी है यानी मेनिस्कस इफेक्ट है, यहाँ पे आपको दूसरा नाम दिया है मेनिस्कस इफेक्ट, तो वो जो है वो मेज़र होता है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में। उसके बाद यहाँ पे आपको एक केस दिखाया है फिगर में, व्हेन अ ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर इज डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइजेज अप इन द ट्यूब विथ एन अपवर्ड कॉनकेव सरफेस एज शोन इन फिगर 11.12 ए। यानी कि फिगर 11.12 में जैसे दिखाया है, अगर हम कोई व्हेन अ ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर की कोई ग्लास ट्यूब है उसमें उसको हम पानी में डिप करते हैं, इज डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइजेज अप इन द ट्यूब विथ एन अपवर्ड कॉनकेव सरफेस, तो उसमें अपवर्ड कॉनकेव सरफेस बनती है, वो आप ध्यान में रखना फ्रेंड्स। हम देख लेते हैं फिगर 1.12 ए, तो यह है हमारी फिगर 1.12 ए। तो इसमें जो होता है वो कैपिलरी राइज होता है, ओके, और ये जो सरफेस होती है वो कॉनकेव होती है। देखो ये पूरा एक बीकर भरा हुआ है, मैं पूरा फिनोमिना यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक पूरा बीकर भरा हुआ है
और यहाँ पे ये जो स्मॉल डायमीटर की ट्यूब है वो हमने उसमें डिप की। तो डिप होने से क्या होगा कि ये जो स्मॉल ट्यूब दोनों साइड से खुली है, यानी कि पानी यहाँ से इसमें जाएगा, तो इसमें ये ग्लास ट्यूब में जो पानी होगा वो ऐसे कॉनकेव में होगा, ओके, कॉनकेव सरफेस में होगा, राइस जो होगा वो कॉनकेव सरफेस में होगा, तो उसे हम बुलाते हैं कैपिलरी राइस, ओके। ग्लास ट्यूब में मतलब लिक्विड सरफेस का ऊंचा आना उसे हम कैपिलरी राइस बुलाते हैं, जिसमें एडहेजन इज़ ग्रेटर देन कोहेजन, यानी कि वाटर राइजेज इन द ट्यूब। थीटा थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है हमें स्मॉल ट्यूब और कॉनकेव सरफेस के बीच में, वो लेस देन 90 डिग्री होता है, और इसे हम कैपिलरी राइज के तौर पे डिफाइन करते हैं, ओके। एंड द सेकंड फिगर इज अबाउट द कैपिलरी डिप्रेशन, के कैपिलरी डिप्रेशन किसे बोलते हैं। व्हेन द सेम ग्लास ट्यूब इज डिप्ड इन मर्क्यूरी, द मर्क्यूरी डिप्रेस डाउन इन द ट्यूब विथ एन अपवर्ड कॉन्वेक्स सरफेस, उसमें अपवर्ड कॉन्वेक्स सरफेस होती है, ओके। और फर्स्ट केस में क्या होता है, राइज में कॉन्केव सरफेस और डिप्रेशन में कॉन्वेक्स सरफेस, ये आपको याद रखना है, ओके, इन फिगर 1.12b। तो 1.12b में देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे पूरा मतलब जो है वो बिकर भरा हुआ है, फिर से हम इमर्स करते हैं, तो ये जो लिक्विड सरफेस है वो नीचे ड्रॉप होती है, ओके। यहाँ पे एच हाइट दिखाया है, देखो यहाँ पे एच हाइट दिखाया है, वो अपर साइड दिखाया है, यानी कि एच राइज हो रहा है, यहाँ पे एच में मतलब पानी नहीं है, इसका मतलब कि वो फॉल हो रहा है, इसलिए हम इसे कैपिलरी डिप्रेशन बुलाते हैं। इसमें एडहेजन इज लेस देन कोहेजन होता है, देखो एडहेजन लेस देन कोहेजन होता है तब ये केस होता है, और जो आपका फर्स्ट केस है कैपिलरी राइज का वो कब होता है, जब आपका एडहेजन जो है वो कोहेजन से ज़्यादा होता है तब होता है। यहाँ पे थीटा डिग्री, थीटा जो है यानी कि ग्लास ट्यूब और कॉन्वेक्स सरफेस जो है उसके बीच का जो एंगल होता है थीटा, यहाँ पे दिखाया है, देखो मेरा कर्सर घूम रहा है वहाँ थीटा, तो वो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है, ओके, कैपिलरी फॉल में, और यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होता है कैपिलरी राइज में। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ओके। तो कैपिलरी राइज किसे बुलाते हैं कि स्मॉल ग्लास ट्यूब को अगर हम कोई बीकर में इमर्स करते हैं, डिप करते हैं, तो वो तो लिक्विड सरफेस जो है वो स्मॉल ट्यूब में राइज होगी या फॉल होगी, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, एडहेजन और कोहेजन ऊपर। अगर आपका एडहेजन ज़्यादा होगा कोहेजन से तो कैपिलरी राइज होगा, और आपका एडहेजन जो है वो कोहेजन से कम होगा तो वो कैपिलरी फॉल में गिना जाएगा, ओके, या तो कैपिलरी डिप्रेशन में गिना जाएगा। अब कैपिलरी राइज के टाइम पे थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, और कैपिलरिटी फॉल में यानी कि कैपिलरी फॉल में या तो फिर डिप्रेशन में थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ओके। तो यहाँ पे आपको फिगर में इफ़ेक्ट ऑफ कैपिलरिटी बताई है कि इफ़ेक्ट ऑफ कैपिलरिटी कैसे इफेक्ट करती है, ओके। उसके बाद है कैपिलरी राइज, तो कैपिलरी राइज जो है वो यहाँ पे कैपिलरी राइज का इक्वेशन यहाँ पे बेसिकली डिराइव किया है कि कैसे आ सकता है वो, ओके। तो यहाँ पे फिगर है कैपिलरी राइज की, ओके, जैसे आगे की फिगर थी वही फिगर है, जिसमें एच है हेड ऑफ हाइट ऑफ कैपिलरिटी राइज। एच जो है वो कैपिलरिटी राइज, यानी कि ये सरफेस से वाटर की फ्री सरफेस से बीकर में कितना पानी ट्यूब में ऊपर तक गया है उसका जो मेजरमेंट है वो हम एच बुलाते हैं, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर है। थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर सरफेस, थीटा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वाटर सरफेस का ग्लास ट्यूब के साथ वो दिखाते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द वाटर सरफेस। सिग्मा जो है वो है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ ऑन द पेरीफरी ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इन न्यूटन पर mm, यानी ये जो पेरीफरी है यहाँ पे जो कॉन्केव टाइप की वहाँ पे कितना फोर्स लगता है उसे हम सिग्मा बुलाते हैं, ओके। एंड W इज स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, यानी कि स्पेसिफिक लिक्विड का स्पेसिफिक वेट कितना होता है वो हमें W के तौर पे दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे D डायमीटर है, H जो है वो कैपिलरी राइज है, P जो है वो फोर्स है, एंड थीटा जो है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। वेट ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब अबव द वाटर सरफेस एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी कि ये जो वाटर ट्यूब में पानी का जो वेट है वो कैसे एक्ट करता है, वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि जो भी मतलब फोर्सेस होते हैं वो डाउनवर्ड एक्ट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ओके। तो ये जो फोर्स एक्ट करता है वो होता है W इंटू एच मल्टीप्लाई बाय पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर,
अब पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर क्या है, ये पेरीफरी है, ओके टोटल, क्योंकि सिलेंड्रिकल पेरीफरी है इसलिए पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर, और डब्ल्यू इंटू एच, तो डब्ल्यू जो है वो वेट है और एच जो है उसकी हाइट है, यानी कि टोटल कितना अमाउंट ऑफ वाटर है वो डब्ल्यू एच से पता चलेगा, और एरिया से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मतलब वेट ऑफ वाटर कॉलम मिल जाएगा कि कितना मतलब जो है वो राइज हुआ है। अब यहाँ पे W इज इक्वल टू रो इंटू जी लिख सकते हैं हम, तो मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऑफ द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन विच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा, ओके फॉर वाटर एंड क्लीन ग्लास थीटा इज नियरली अबाउट 0 डिग्री, ओके एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री फॉर वेटिंग फ्लूड एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री फॉर नॉन वेटिंग फ्लूड, इतना आपको याद रखना है। नाउ डाउनवर्ड वेट ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा, वो इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब अबव द वाटर सरफेस एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेज सेम होते हैं, ओके तो यहाँ पे डाउनवर्ड वेट ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन ये दोनों को कंपेयर करते हैं हम, तो मतलब जो है वो ऐसा होता है इक्वेशन W इंटू एच इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा। अब यहाँ से मैं एच निकालूंगा जो कैपिलरी राइज का इक्वेशन, वो कुछ ऐसे होगा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन W इंटू डी, और अगर W की जगह हम रो जी लख रो इंटू जी लिख सकते हैं आगे की प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ये ऐसा होगा एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी, ओके तो ये जो है वो कैपिलरी राइज का इक्वेशन है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी और W इंटू डी, ओके W की जगह पे हमने यहाँ रो इंटू जी प्लांट किया है, ओके अब सेकंड जो है वो कैपिलरी फॉल का है, कैपिलरी फॉल की फिगर जो है वो 1.12 बी में दिखाई है, वैसे ही बनानी है। व्हेन अ ग्लास ट्यूब इज डिप इंटू द नॉन वेटिंग लिक्विड, यानी कि मर्क्यूरी में अगर हम इमर्स करते हैं कोई भी मतलब ग्लास ट्यूब को, द मर्क्यूरी डिप्रेसिस डाउन इन द ट्यूब विथ अपवर्ड कॉन्वेक्स सर्फेस एज शोन इन फिगर 1.12 बी। देखो जब जब भी मतलब जो है वो कोहेजन फोर्स ज़्यादा होगा एडहेशन से, तब क्या होगा अगर हम नॉन वेटिंग लिक्विड यानी कि जो मर्क्यूरी है उसमें हमारा जो वाटर ट्यूब है वो हम डिप करेंगे तो क्या होगा, मर्क्यूरी वहाँ से नीचे उतरेगा यानी उसका फॉल होगा, ओके तो वो फिगर जो है 1.12 में बी में दिखाया है वैसे ही सेम फिगर होगी। तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एक्टिंग अपवर्ड ऑन द मर्क्यूरी साइड इन साइड द ट्यूब, यानी मर्क्यूरी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो वो होगा W इंटू एच पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर, आगे के जैसा ही होगा। सरफेस टेंशन एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा, ओके तो ये होगा फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास थीटा इज 130 डिग्री एंड फॉर वाटर एंड ग्लास थीटा इज नियरली अबाउट टू 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिख दें W इंटू एच इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा, तो इसमें भी यही इक्वेशन आएगा H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। तो कैपिलरी राइज और फॉल एक तरह से सेम है, बस खाली जो एक में प्रॉपर्टी है वो अपर जाती है और एक में प्रॉपर्टी जो है लिक्विड की वो नीचे आती है, इतना ही डिफरेंस है कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का। कैपिलरी राइज और फॉल बिटवीन टू वर्टिकल पैरेलल प्लेट्स, यानी कि दो प्लेट्स के बीच में राइज और फॉल कैसे होता है वो हम देखेंगे। लेट एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेट एंड टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, यानी कि दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, और एल जो है वो प्लेट की लेंथ है। वेट ऑफ लिक्विड हाइट एच बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स क्या होगा, उसकी लेंथ उसकी थिकनेस और उसकी हाइट इंटू रो जी, यानी कि उसका वॉल्यूम को अगर हम रो जी से मतलब रो इंटू जी से मल्टीप्लाई करें तो होगा वेट ऑफ लिक्विड हाइट एच बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ओके। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है वो हम देखेंगे। सिग्मा इंटू 2L कॉस थीटा, अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट और वेट ऑफ कॉलम है वो दोनों सेम होना चाहिए, तो ऐसा हम लिख सकते हैं ये दोनों को कंपेयर करके L इंटू टी इंटू एच इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2L कॉस थीटा, तो इससे जो H का इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू टी, ओके तो ये जो है वो इक्वेशन है कैपिलरी राइज और फॉल बिटवीन टू वर्टिकल पैरेलल प्लेट्स। अभी हमने आगे देखा था वो एक ट्यूब का था यानी सिलेंड्रिकल का था जिसका इक्वेशन था 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी, और ये जो है वो है इक्वेशन कैपिलरी राइज और फॉल बिटवीन टू वर्टिकल पैरेलल प्लेट्स,
यानी दो वर्टिकल पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो था वो है एच इज इक्वल टू टू स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जे इंटू टी। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, कैपिलरी राइज और फॉल के और सिलिंड्रिकल ट्यूब में और एज वेल एज टू वर्टिकल पैरेलल प्लेट्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं कैपिलरी राइज के और फॉल के, और उसके साथ साथ जो आगे वाले एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन के वो भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।